सबसे पहले तो यार, अगर तुम में से किसी ने ब्लैक मिरर सीरीज़ देखी है तो प्लीज़ मुझे बताओ, देखनी चाहिए या नहीं। मैं देख रहा हूँ सोचने की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना देखनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ही ज़्यादा वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ देखे हैं, और उनमें से ज़्यादातर मैंने आपको रेकमेंड भी किए हैं, मतलब जो रेकमेंड करने लायक थे वो। लेकिन इस दौरान ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ हैं जो मैंने आप लोगों को रेकमेंड ही नहीं किए, पता नहीं क्यों, बट नहीं किए। अभी मैं 2-3 दिन पहले अपनी लिस्ट देख रहा था। हाँ, मैं लिस्ट रखता हूँ उन सभी वेब सीरीज़ और टीवी शोज़ की जो मैंने देख लिए हैं। वियर्ड, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मुझे 15-16 ऐसे अमेजिंग टीवी शोज़ मिले जो मुझे आपको रेकमेंड करने चाहिए थे, तो मैंने टॉप 10 का वीडियो रेडी कर दिया है। तो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 अमेजिंग ग्रेट वेब सीरीज एंड टीवी शोज। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है द फ्लाइट अटेंडेंट। स्टोरी फॉलो करती है एक फ्लाइट अटेंडेंट कसांड्रा को, जिसकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो जाती है जब एक सुबह कसांड्रा की आंख एक होटल में खुलती है और उसके साइड में होती है एक डेड बॉडी। डेड बॉडी किसकी है, मर्डर किसने किया है, कसांड्रा का इससे क्या लेना देना है, बहुत सारी अमेजिंग मिस्ट्री सॉल्व करेगी ये कॉमेडी सीरीज द फ्लाइट अटेंडेंट। केली कुको की परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर कसांड्रा में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वंस इन अ लाइफ टाइम आपको इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ज्यादा बोल दिया लेकिन सच है। बाकी ये एक फास्ट पेस पर चलने वाली कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है, आपको बोर नहीं करेगी, मस्ट वॉच। इसे आप Amazon प्राइम पर अंग्रेजी में देख सकते हैं। नंबर 9 पर आती है जिनी एंड जॉर्जिया। स्टोरी फॉलो करती है एक मदर डॉटर जिनी एंड जॉर्जिया को, जो अभी अभी एक नए टाउन में शिफ्ट हुई हैं। अब इस टाउन में मूव करने के बाद कैसे जिनी एंड जॉर्जिया हाई सोसाइटी के लोगों के बीच एडजस्ट करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी जॉर्जिया का जो पास्ट है वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये चीजें भी काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगी। अब यार, जानता हूँ सुनने में सीरीज का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रूगिंग नहीं लग रहा है, और देखने से पहले मेरा भी यही मानना था, लेकिन भाई बहुत मजा आया ओवरऑल। भाई जिनी एंड जॉर्जिया वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक शो है, फनी, इमोशनल, रोमांटिक एंड सो मोर, मस्ट वॉच। काफी बढ़िया हिंदी डब के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 8 पर आता है एक बहुत ही यूनिक शो नॉर्समैन। अगर आपको कुछ बहुत ही ज्यादा फनी और अजीबोगरीब देखना है तो ये देखना। ये सीरीज बेसिकली वाइकिंग्स को दिखाती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फनी वे में। वन ऑफ दी बेस्ट कॉमेडी सीरीज है। जिस तरह के वाइकिंग्स आप इस सीरीज में देखोगे आपने नहीं देखे होंगे। लेकिन ये शो देखने से पहले अपने लॉजिक को साइड में रख देना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, मतलब काफी ज्यादा फनी और वियर्ड शो है, मजा आता है। नंबर 7 पर जो शो आता है वो शायद आपने देख लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये जब रिलीज हुआ था, नाम है कैलिडोस्कोप। इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि आप इसका कोई भी एपिसोड किसी भी सीक्वेंस में देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नया है और ये सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी है, मस्ट वॉच। बात करें स्टोरी की, तो स्टोरी फॉलो करती है लियो के कैरेक्टर को, जो कुछ लोगों की टीम असेंबल करता है एक चोरी करने के लिए। स्टोरी के बारे में इससे ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा आपका, लेकिन ये एक अमेजिंग हाइस्ट स्टोरी है। म्यूजिक, कैरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ टॉप नॉच। आप कोई भी एपिसोड किसी भी सीक्वेंस में देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हाइट नाम का जो एपिसोड है वो आपको लास्ट में ही देखना है। बाकी इस सीरीज को आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर अभी देख सकते हो। नंबर 6 पर आती है सिक नॉट। स्टोरी फॉलो करती है डैनियल को, जिसकी लाइफ बहुत ही घटिया चल रही है। उसकी जॉब अच्छी नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं है और गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। और एक दिन एक बेवकूफ डॉक्टर के मिसडायग्नोस्ड करने की वजह से उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, जिसके बाद डैनियल को बहुत ही ज्यादा अटेंशन मिलने लगती है, उसकी जॉब भी अच्छी हो जाती है, और सबसे जरूरी बात, गर्लफ्रेंड भी वापस आ जाती है। इसीलिए सच का पता चलने के बाद कि उसे कैंसर नहीं है, वो फिर भी इस झूठ को कंटिन्यू रखता है। और भाई फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, 10 झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ, बहुत बुरा फंसेगा ये बंदा, इसकी लाइफ के लग जाएंगे। ऑलरेडी मैं ये सीरीज 2 बार देख चुका हूँ, 2 सीजन है, छोटे छोटे, एक दिन में आप कंप्लीट कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में, बहुत मजा आता है, बहुत फनी सीरीज है, प्लीज देखना जरूर। नंबर 5 पर आती है वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन सीरीज ऑफ ऑल टाइम, दी ओ ए। स्टोरी फॉलो करती है प्रेरी नाम की एक लड़की को, जो कई सालों पहले टाउन से मिसिंग हो चुकी थी, लेकिन अब वो वापस आ गई है। इंटरेस्टिंगली जब वो गायब हुई थी तो वो अंधी हुआ करती थी, लेकिन अब
वो देख सकती है, पूरी दुनिया देख सकती है। प्रेरी मिसिंग क्यों हुई थी, इतने सालों से कहां पर थी और उसकी आई साइट वापस कैसे आ गई, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब भी मिलेंगे और बहुत खूब मिलेंगे। एपिसोड बाय एपिसोड इस मास्टरपीस सीरीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होती जाती है। आप इसका एक एपिसोड देखो, उसके बाद आप ये सीरीज कंप्लीट करके ही उठोगे, ग्रेट स्टफ। नंबर फोर पर आती है एक और बहुत ही फनी सीरीज, बोर्ड टू डेथ। जोनाथन एम्स एक अनसक्सेसफुल राइटर है जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से बोर हो चुका है और इस बोर्डम को दूर करने के लिए वो प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है जिसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं है और उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। इसके बाद उसे केसेस मिलने लगते हैं और वो केसेस सॉल्व करने लगता है, जिसमें उसकी हेल्प करते हैं उसके दो बेस्ट फ्रेंड, जिनमें से एक बेवकूफ़ है और एक नशेड़ी। अब तीन नौसिखिए जिन्हें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ घंटा नहीं पता, वो केसेस सॉल्व करने निकलेंगे, वो भी डेंजर डेंजर, तो भाई मज़ा तो आएगा। अब आते हैं नंबर थ्री पे, मार्को पोलो। मार्को पोलो को नेटफ्लिक्स ने दो सीजन्स के बाद कैंसिल कर दिया था और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज के टाइम में मार्को पोलो दुनिया के वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम में होता। मार्को पोलो के सीजन टू को आज तक का किसी भी सीरीज का सबसे बेस्ट सीजन टू कंसिडर किया जाता है। मैंने ये सीरीज देखी है, दो ही सीजन्स है, इनकम्प्लीट स्टोरी, लेकिन भाई फिर भी जो एक्सपीरियंस है वो अनमैच्ड है। वो कैरेक्टर्स, वो म्यूजिक, वो स्टोरी, वो ब्रुटैलिटी, पॉलिटिक्स, ओ माय गॉड, ग्रेट। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में देख सकते हैं। नंबर टू पर आती है एक और फनी सीरीज, कॉमेडी सीरीज, सेंटा क्लारिटा डाइट। स्टोरी फॉलो करती है शीला पर, जो एक दिन अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है अंदर से। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, लेकिन जिंदा रहने के लिए चाहिए ताजा इंसानी मांस। अब इस इतने बड़े चेंज के साथ उसकी फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी और कैसे शीला खुद को जिंदा रखने के लिए क्या क्या स्ट्रगल होंगी, क्या क्या हरकतें होंगी इस सीरीज में, भाई बहुत ही बढ़िया। अगर आप मुझसे पूछो कि परफेक्ट बिंज वॉच मटेरियल क्या होता है, तो वो ये सीरीज है, 100% मस्ट वॉच। नंबर वन पर आती है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना, टोटल चार सीजन्स, 2020 में देखी थी, कभी रेकमेंड नहीं की। बहुत ही अमेजिंग सीरीज है, इसके अंदर आपको विचेस, वॉरलॉक्स, ह्यूमंस, हाफ ह्यूमंस, घोस्ट, डेविल, टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ब्लू मैजिक, येलो मैजिक, सब देखने को मिलेगा। डार्क होने के साथ साथ फनी भी है और स्कैरी होने के साथ साथ रोमांटिक भी है, फ्रेंडशिप भी है और बिट्रेयल भी है, बहुत कुछ है इस सीरीज के अंदर। स्टोरी वगैरह बताकर आपका टाइम फोकट में खराब नहीं करूंगा, वो तो आप सीरीज देखकर ही जान लोगे, तो बताने का क्या फायदा है ना। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्रिंज नहीं लगी होगी मेरी वाहियात हरकतें। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना, क्या फर्क पड़ता है, डिसलाइक का बटन तो गायब है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।